फ्रेंड्स, वेलकम टू नया उपाध्याय हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं देखिए थ्री कलर्स में एक ग्राफ लेकर आई हूँ। इसका पैटर्न मैंने इस पर पेज पर बना लिया है, ग्राफ पेज पर। इसे आप बेबी स्वेटर में या लेडीज कार्डिगन में भी बना सकते हैं। एक लाइन यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे वाला है इसे आप ऊपर में भी दे सकते हैं, और बीच वाला ये देखिए फ्लावर है। इसमें थ्री कलर लगेंगे, और ये देखिए ये कितने फंदों का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ये 9 फंदों का है, और ये बीच में 2 फंदों का गैप रहेगा ग्राफ बनाते टाइम। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 सिलाइयों का होगा। और यहाँ पर ये जो नीचे वाला बॉर्डर है ये 4 सिलाइयों में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक कलर का ऊल लिया है, और यहाँ पर मैंने 15 फंदे ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने 13 फंदे लिए हैं, और ये यहाँ पर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। दो दो फंदे एक्स्ट्रा साइड से, और यहाँ पर 9 फंदों का जो ग्राफ है उसके लिए मैंने लिया है। तो यहाँ पर पहले एक फंदा ब्लैक बुनेंगे, फिर यहाँ पर एक फंदा ग्रीन, एक फंदा ब्लैक, 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 एक फंदा ग्रीन, और एक फंदा ब्लैक, और पीछे से सेकंड सिलाई में यहाँ पर जो ब्लैक है उसे ग्रीन करना है, और जो ग्रीन है उसे ब्लैक करना है। यानी एक फंदा ब्लैक, एक फंदा ग्रीन, फिर से यहाँ पर करना है। बस यहाँ पर ग्रीन को ब्लैक करना है और ब्लैक को ग्रीन करना है पूरी सिलाई। देखिए ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को ग्रीन, फिर ब्लैक ग्रीन, ब्लैक एंड ग्रीन। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 सिलाई बुन लेना है ब्लैक से। सॉरी, यहाँ पर हम पिंक लेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। मैंने बस यहाँ पर ग्रीन लिया था, अभी यहाँ पर हम पिंक लेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीन को पिंक करेंगे, फिर बीच वाले ब्लैक को, फिर ग्रीन को। यहाँ पर 3 फंदा हमें पिंक करना है, फिर यहाँ पर एक फंदा ब्लैक करना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा पिंक करना है, और एक फंदा ब्लैक करना है, फिर यहाँ पर 3 फंदा पिंक करना है, एक फंदा ब्लैक, और यहाँ पर अब एक फंदा बचा जिसे पिंक से बुन लेना है। अब यहाँ पर देखिए पीछे से यहाँ पर 2 फंदा ये इसे ब्लैक से करना है, और एक फंदा और 3 फंदा ब्लैक करना है, और जो बीच वाला पिंक है उसे पिंक से बुनना है। फिर यहाँ पर देखिए 3 फंदा ब्लैक, एक फंदा पिंक, 3 फंदा ब्लैक, एक फंदा पिंक, फिर यहाँ पर एक फंदा ब्लैक। अब यहाँ पर 4 सिलाई बुनना है ब्लैक से, और उसके बाद ये नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट होगा। यहाँ पर 4 सिलाई बुनना है, तो मैंने यहाँ पर मैं एक छोटा सा पैटर्न बता रही हूँ, और अगर आप स्वेटर बनाए उसमें 4 सिलाई का ब्लैक से गैप दें। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई बुना है ब्लैक से। अब यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो मैंने दोनों साइड से 2-2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो पहले 2 फंदा बुन लेंगे, उसके बाद देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा और 10 फंदा यहाँ पर देखिए 10 फंदा ब्लैक से बुना है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पर 10 फंदा ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर एक फंदा ग्रीन बुनना है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 फंदा ब्लैक से बुनना है। अब यहाँ पर सेकंड सिलाई में देखिए पीछे से यहाँ पर 2 फंदा ब्लैक है, तो 2 फंदा ब्लैक बुनना है, और एक फंदा जो ग्रीन है इसे भी ब्लैक करना है, और यहाँ पर एक फंदा ग्रीन से बुनना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 फंदा ब्लैक से बुनना है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदा ग्रीन से बुनना है, और उसके बाद जो ब्लैक है उसे ब्लैक से बुन लेना है।
अब यहाँ पर आगे से देखिए, आगे से यहाँ पर दो फंदा ब्लैक बुनना है और यहाँ पर फोर फंदा ग्रीन करना है। दोनों साइड से एक एक फंदा ब्लैक को ग्रीन करना है और फिर जो दो फंदा बीच में उसे, और यहाँ पर दो फंदा फिर ब्लैक करना है और एक फंदा ब्लैक को ग्रीन करना है, और ये जो ग्रीन है इसे ब्लैक से बुन लेना है। फोर फंदा यहाँ पर ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फोर फंदा ब्लैक है तो यहाँ पर अब फाइव फंदा हो जाएगा। फोर फंदा ब्लैक और एक फंदा जो ग्रीन है इसे भी ब्लैक करना है, और यहाँ पर एक फंदा ब्लैक को ग्रीन करना है, और फिर एक फंदा यहाँ पर ब्लैक होगा, और फिर यहाँ पर अब थ्री फंदा ग्रीन होगा। फोर फंदा है तो यहाँ पर थ्री फंदा होगा, एक फंदा ग्रीन को ब्लैक कर देना है। अब देखिए आगे से, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर सिक्स फंदा ब्लैक होगा और यहाँ पर एक फंदा जो ब्लैक है इसे ग्रीन करना है, और यहाँ पर जो सारे फंदे ब्लैक हैं उसे ब्लैक से बुन लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थ्री फंदे ब्लैक हैं जिन्हें ब्लैक करना है थ्री फंदे को, और ये जो थ्री फंदे बच गए ब्लैक इन्हें ग्रीन करना है। यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन हो गया, एक फंदा जो ग्रीन है इसे ब्लैक करना है, फिर यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन होगा वन टू एंड थ्री, उसके बाद थ्री फंदा जो बचा है ब्लैक उसे ब्लैक से बुनना है। उसके बाद यहाँ पर टू फंदा ब्लैक है, फिर यहाँ पर फोर फंदा ग्रीन होगा वन टू थ्री एंड फोर, उसके बाद वन फंदा यहाँ पर ब्लैक होगा, फिर यहाँ पर फोर फंदा ग्रीन होगा, थ्री फंदा है, एक एक दोनों साइड से फंदे ब्लैक को ग्रीन करना है, फिर यहाँ पर दो फंदा ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो फंदा ब्लैक है और एक ग्रीन को ब्लैक करना है, फिर यहाँ पर दो फंदा ग्रीन होगा, और अब यहाँ पर पिंक उल लेना है। यहाँ पर मैं थ्री फंदा पिंक लेना है, मैंने थ्री फंदा पिंक लिया, उसके बाद यहाँ पर फिर दो फंदा ग्रीन, उसके बाद ये जो एक ग्रीन है इसे ब्लैक और जो ब्लैक है इसे ब्लैक से। अब यहाँ पर देखिए टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर फोर फंदा ब्लैक हो गया। अब यहाँ पर ग्रीन उल खत्म हो गया, यहाँ पर ग्रीन उल से नहीं बुनना है। यहाँ पर अब देखिए थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ पर फाइव फंदे पिंक हो गए, उसके बाद फिर ब्लैक से फोर फंदा जो ब्लैक है उसे ब्लैक से करना है। उसके बाद यहाँ पर पीछे से वन टू एंड थ्री, थ्री फंदा यहाँ पर ब्लैक होगा, और ये जो फाइव फंदा पिंक है इसे सेवन फंदा करना है। यहाँ पर ये देखिए फाइव सिक्स एंड सेवन, उसके बाद जो ब्लैक है थ्री फंदा उसे ब्लैक से बुनना है, और आगे से जो सिलाई है उसे सेम बुनना है, जो जैसे है ब्लैक पर ब्लैक और पिंक पर पिंक। आगे से बिल्कुल सेम सिलाई मैंने बुन लिया है, और पीछे से देखिए थ्री फंदा जो ब्लैक था उसे ब्लैक से बुनना है, और यहाँ पर देखिए टू फंदा पिंक से बुनना है, और अब यहाँ पर दूसरा कलर का ऊन लेना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ में ब्लू लिया है यहाँ पर पेज पर जो मैंने बनाया है, और यहाँ पर मैं व्हाइट ले रही हूँ, यहाँ पर थ्री फंदे बीच में व्हाइट करने हैं और दो फंदा यहाँ पर पिंक करना है, और उसके बाद थ्री फंदा यहाँ पर देखिए ब्लैक। फिर अब यहाँ पर आगे से वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर फोर फंदा ब्लैक हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर वन फंदा पिंक, फिर यहाँ पर थ्री फंदा वाइट करना है, फिर यहाँ पर वन फंदा पिंक करना है, फिर यहाँ पर फोर फंदा ब्लैक होगा, ये जो पिंक है
इसे ब्लैक करना है, और जो ब्लैक है उसे ब्लैक से ही बुनना है। अब यहाँ पर देखिए 4 फंदा ब्लैक करना है, जो ब्लैक है उसे ब्लैक से, और ये जो देखिए यहाँ पर जो पिंक है उसे वाइट करना है 1 फंदा, एंड यहाँ पर 2 फंदा, 2 फंदा वाइट होगा और बीच में 1 फंदा यहाँ पर पिंक करना है, वाइट को पिंक कर देना है, फिर यहाँ पर 2 फंदा वाइट करना है, और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक है 4 फंदा उसे ब्लैक से करना है, और उसके बाद अब ये लास्ट सिलाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 4 फंदा ब्लैक है, उसके बाद 1 फंदा वाइट को ब्लैक करना है, फिर यहाँ पर 1 फंदा वाइट करना है, और यहाँ पर 1 फंदा पिंक करना है, फिर 1 फंदा वाइट, उसके बाद यहाँ पर वाइट को ब्लैक करना है, और जो सारे फंदे हैं ब्लैक उसे ब्लैक से, और पीछे से सारे फंदों को यहाँ पर ब्लैक से बुन लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ्ट रेडी हो गया है। यहाँ पर 4 सिलाई ब्लैक से बुनने के बाद फिर ये जो नीचे वाला डिज़ाइन है इसे फिर से रिपीट करना है, इसे उल्टा करके रिपीट करना है, या आप सीधा करके अगर इसे लाइन बाय लाइन बनाना चाहते हैं, बच्चों के स्वेटर में अगर आप बनाना चाहते हैं या लेडीज़ कार्डिगन में भी अगर आप इसे डालेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर देखिए ये बनाने के बाद फिर ये, और फिर इसे सेम 4 सिलाई ब्लैक के बाद इसे बना के फिर से ये ग्राफ, ये जो फ्लावर है इसे बना देना है। ऐसे करते हुए पूरे स्वेटर में अगर आप बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, और अगर चाहें आप तो कहीं कहीं ये एक एक फ्लावर बना सकते हैं स्वेटर में बिना इस लाइन के, तो ये बेबी स्वेटर में और ये कार्डिगन में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।